देखिए आज की ताज़ा खबर। अब तो जब हैरी मेट सेजल भी अपने देसी रंग में रंग चुके हैं। जी हाँ, इस फिल्म से नेक्स्ट सॉन्ग बटरफ्लाई टीजर को किया गया रिलीज। तो बैक टू बैक तड़कते भड़कते गाने और एक सोलफुल गीत के बाद अब इस फिल्म के मेकर्स अपने अगले गाने को रिलीज करने के लिए तैयार हैं। पर उससे पहले दर्शकों के इस इंतजार को और भी गहराते हुए इस अपकमिंग ट्रैक का टीजर रिलीज किया गया। वैसे तो इम्तियाज अली के निर्देशन में बनी ये फिल्म रिलीज से पहले ही लोगों की जुबान पर छाई हुई है। वेल, आपको बता दें, जबकि इस फिल्म में शाहरुख एक टूर गाइड की भूमिका में दिखाई देंगे, वहीं अनुष्का एक टूरिस्ट की। तो दोस्तों, आपको किस बात का इंतजार है? हमें अपने सुझाव बताना मत भूलना। और भी मसालेदार फिल्मी अपडेट्स के लिए सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड स्पाई के साथ बने रहें। सलमान खान ने किया अपने आने वाली फिल्म टाइगर जिंदा है के बारे में एक शॉकिंग रेवलेशन। जी हाँ, सलमान ने बताया कि वो इस फिल्म में एकदम वैसा ही किरदार निभाने जा रहे हैं जैसे किरदार में उनके फैंस उन्हें देखना चाहते हैं। वेल, फिल्म में वो एक ऐसे हीरो बने दिखाई देंगे जो आम जिंदगी में ना हो पाने वाली चीजें करते हैं, जो जबरदस्त एक्शन से लोगों को चौंकाते भी हैं और हीरोइन के साथ रोमांस भी करते हैं। अपनी इस फिल्म के सिलसिले में सलमान ने एक इंटरव्यू में इस फिल्म से जुड़ी कई सारी बातें कही। सलमान खान की माने तो टाइगर जिंदा है इस फिल्म के पहले भाग से भी बड़ी फिल्म होगी। फिल्म में कुछ ऐसी चीजें होंगी जो आपने इससे पहले इंडियन फिल्म में नहीं देखी होंगी और इस फिल्म को बहुत बड़े स्तर पर बनाया जा रहा है, खास करके एक्शन सीन्स को। इस बारे में आगे बात करते हुए सलमान ने बताया कि इन एक्शन सीन्स में सब कुछ ऐसे फिल्माया गया है जैसे किसी हॉलीवुड फिल्म में होता है। तो दोस्तों, क्या आपकी एक्साइटमेंट भी हद पार कर रही है? हमें अपनी एक्साइटमेंट का लेवल नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और अपनी राय भी, और जुड़े रहें हमारे साथ ऐसी ही खबरों के लिए सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड स्पाई पे। कैटरीना कैफ के बाद अब उनकी बहन इजाबेल कैफ को बॉलीवुड में अपना नाम बनाने में मदद करेंगे सलमान। वैसे ये हम नहीं बल्कि इशारों में खुद मिस कैफ कह रही हैं। हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान जब कैटरीना से इजाबेल के बिग बॉलीवुड डेब्यू के बारे में पूछा गया तो उनका कहना था, अगर मेरी बहन को मैं खुद लॉन्च करूंगी तो लोगों को लगेगा कि इजाबेल में टैलेंट की कमी है, और जबकि मैं एक प्रोड्यूसर भी नहीं हूँ, ऐसे में अगर खुद की बहन को लॉन्च करने के लिए मैं प्रोड्यूसर बनती हूँ तो आगे जाकर इजाबेल का करियर खतरे में आ जाएगा। अगर कैटरीना इजाबेल को लॉन्च नहीं करेंगी तो ऐसे में ये सवाल जरूर उठता है कि आखिर उन्हें लॉन्च कौन करेगा। वैसे तो सलमान खान खुद कैटरीना कैफ से लेकर सोनाक्षी सिन्हा तक कई हसीनाओं को बॉलीवुड में पहचान दिलवा चुके हैं, और अब लगता है इस लिस्ट में एक और नाम इजाबेल कैफ का जल्द ही जुड़ने वाला है। पर कब और कैसे, ये देखने के लिए हमें थोड़ा इंतजार तो करना पड़ेगा। एंड कैटरीना, ये फिल्म तो आप कर ही रही हैं, इसके साथ साथ एट द सेम टाइम यू आर डूइंग मूवीज विद थ्री खान्स एट द इन डिफरेंट फिल्म्स, सो व्हाट वुड यू लाइक टू से? तीन खान के साथ काम करना एक साथ एक समय पर कितना बड़ा चैलेंजिंग होता है और क्या एक्सपीरियंस आप शेयर करना चाहेंगे? I mean, I've worked with all with Aamir, Shahrukh and Salman previously, and all of those films were really wonderful films. So I'm just really happy to be part of good films, to be working with good directors, good cinema, good co-stars and good scripts. I mean, I think I'm really privileged right now to be having really exciting work and to be challenged and inspired by the work I'm doing. जब हैरी मेट सेजल के मेकर्स इस फिल्म को प्रमोट करने में एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, शाहरुख खान और अनुष्का शर्मा स्टारर इस फिल्म को शुरुआती दिनों में थोड़े हटके प्रमोशनल ग्रामर के साथ प्रमोट जरूर किया गया था, पर अब इस फिल्म के मेकर्स कन्वेंशनल प्रमोशनल स्ट्रेटजीज की राह पर चलते दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ, हाल ही में शाहरुख और इम्तियाज अपने इस आने वाले रोम कॉम को डांस प्लस 3 के सेट्स पर प्रमोट करते दिखे। रेड चिलीज एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन तले बन रही ये फिल्म 4 अगस्त बड़े पर्दे पर दस्तक देने के लिए तैयार है, जहां शाहरुख एक टूर गाइड के किरदार में दिखाई देंगे, वहीं अनुष्का एक टूरिस्ट की भूमिका निभाती दिखाई देंगी। वेल, एक बार फिर बड़े पर्दे पर इन दोनों की मस्ती मजाक भरी केमिस्ट्री को देखना काफी दिलचस्प होगा। तो दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें जरूर बताएं अपने सुझाव और कॉमेंट करना ना भूलें। So Salman has decided to compensate distributors for tube light loss. So as a producer, do you believe in that? अरे पहले फिल्म तो रिलीज हो रही थी यार, प्रॉफिट लॉस के बारे में बात कर रही है। But as a producer, do you think that that's unfair? But or do you think that that's
that should be done. You know, it's been going on since years. My grandfather was a producer from 1950. And I think that whole home style of making films where everybody should make money, not just the producer, the distributor, the exhibitor. So it's a very healthy exercise, you know, when somebody loses money on something where you have kind of made money on. It's very good to compensate. It's a healthy exercise. But like I said, it's from person to person, from film to film. But yes, I've been hearing this from my grandfather's time. You know, when his films like Mera Naam Joker, they all didn't work and distributors had heavy losses. So when he released his film after that, Bobby, he gave more of a percentage to the distributors and exhibitors. So there was a sense of balance in it. So it's a very healthy exercise. हाल ही में सलमान खान टाइगर जिंदा है के लिए शूटिंग कर रहे थे और उन्हें कुछ सीन्स के लिए नकली दाढ़ी मूछ दी गई, पर सलमान इस बात से ज्यादा खुश नहीं थे, इसलिए उन्होंने कहा कि वो रियल दाढ़ी मूछ के साथ इस सीन को अल्फा खत्म होने के बाद मोरक्को में शूट करेंगे। पर इसके बाद जो हुआ वो काफी इंटरेस्टिंग था। सलमान को अपने स्पाई थ्रिलर के साथ साथ जुड़वा 2 और शाहरुख खान के ड्वार्फ फिल्म यानी दोनों फिल्मों के लिए कैमियो भी शूट करना था। जी हाँ, पर अब अनफॉर्चुनेटली इन तीनों फिल्मों में सलमान एक ही लुक में दिखाई देंगे। हालांकि ये जुड़वा 2 के लिए काफी परेशानी का सबब बन चुका था, क्योंकि जुड़वा 2 के कैमियो में सलमान डबल रोल निभाते दिखाई देंगे। पर जब उन्होंने डायरेक्टर डेविड धवन को समझाया कि वो शेव नहीं कर सकते, तब उन्होंने सलमान को अलग अलग लुक देने के लिए उन्हें 2 अलग अलग हेयर स्टाइल दिए। मतलब अब तीनों फिल्मों में एक ही लुक के साथ दिखाई देंगे सलमान। तो दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें बताएं और कमेंट करें। बॉलीवुड के मस्ताने यानी दीपिका पादुकोण फिल्मों में अपने रोल्स को लेकर हमेशा से ही काफी चूजी रही हैं। कभी उनकी इस आदत की वजह से फायदा हुआ है तो कभी नुकसान। अपने इस ओ सो चूजी एटीट्यूड के कारण दीपिका ने सलमान खान के साथ ठुकराई हैं 3-3 फिल्में, जबकि टॉप बॉलीवुड हीरोइंस सलमान के साथ चंद सेकंड्स के लिए भी स्क्रीन स्पेस शेयर करने के लिए फट से राजी हो जाती हैं। वहीं दीपिका ने एक बार नहीं बल्कि 3 बार सलमान के ऑपोजिट काम करने से इनकार कर दिया। पहले तो करण जौहर सलमान और दीपिका को लेकर अपनी मच एंटिसिपेटेड प्रोजेक्ट शुद्धि प्लान कर रहे थे, लेकिन दीपिका ने इस किरदार को निभाने से मना कर दिया। फिर आई सलमान खान की बॉक्स ऑफिस हिट किक, जिसमें एक आइटम सॉन्ग करने के मौके पर दीपिका ने उसे भी नकार दिया। और फिर सुल्तान को ही ले लीजिए, ये फिल्म अनुष्का शर्मा से पहले दीपिका पादुकोण को ऑफर हुई थी, लेकिन उन्होंने इस फिल्म को भी करने से मना कर दिया। तो दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें बताएं और कमेंट करें। और भी मसालेदार फिल्मी अपडेट्स के लिए सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड स्पाई के साथ बने रहें। आमिर खान के साथ धूम 3 में काम करने के बाद कैटरीना कैफ भी उन लकी एक्ट्रेसेस की ब्रिगेड को ज्वाइन कर चुकी थी जो इस इंडस्ट्री के तीनों लीडिंग खान सलमान, शाहरुख और आमिर के साथ काम कर चुके हैं। और अब एक बार फिर ये गॉर्जियस डीवा इन तीनों खान के साथ अपनी अपकमिंग फिल्म्स सलमान खान के साथ टाइगर जिंदा है, आमिर खान के साथ थग्स ऑफ हिंदुस्तान और शाहरुख खान के साथ आनंद एल रॉय की ड्वार्फ फिल्म में काम करने के लिए है तैयार। और इसी के साथ कैटरीना सभी हीरोइन से एक कदम आगे बढ़ चुकी हैं। हालांकि सभी को ऐसा लगता है कि कैटरीना ने ये एक बहुत स्मार्ट कदम उठाया है, पर उनकी माने तो ये महज एक इत्तेफाक है। जब एक लीडिंग टैबलॉइड ने कैटरीना से इस बारे में पूछा तो मिस कैफ का कहना था कि ये महज एक इत्तेफाक ही है जो वो तीनों खान के साथ ही एक ही समय पर काम कर रही है। माल्टा में थग्स ऑफ हिंदुस्तान की शूटिंग खत्म करने के बाद फिलहाल चिकनी चमेली टाइगर जिंदा है की शूटिंग में बिजी हैं और इसके बाद वो शाहरुख खान की ड्वार्फ फिल्म की शूटिंग शुरू करेंगी। तो दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें अपने सुझाव जरूर बताएं और कमेंट करना ना भूलें। जुड़े रहें हमारे साथ सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड स्पाई पे। जब सलमान और शाहरुख की फिल्मों के बारे में खबरें आनी शुरू होती हैं, तो फैंस की उम्मीदें खुद ब खुद बढ़ जाती हैं। और लोगों को पता होता है कि अगर फिल्म में ये दोनों खान हैं, तो वो फिल्म जरूर ब्लॉकबस्टर हिट होगी। वेल, जब ट्यूबलाइट का ट्रेलर आया तो लोगों को लगा कि फिल्म भी जबरदस्त हिट होगी, पर अफसोस ऐसा नहीं हो पाया। फिल्म फ्लॉप तो नहीं हुई पर हिट भी नहीं हो पाई। यही हालत शाहरुख खान के फैन की भी हुई थी। लोगों को लगा कि शायद ये फिल्म बकमाल होगी,
लेकिन अफसोस फिल्म के रिलीज के बाद करोड़ों का लॉस हो गया। इसके वजह से दर्शकों की उम्मीदों पर पानी भी फिर गया। तो दोस्तों आपके इस बारे में क्या राय है, हमें अपने सुझाव बताइए और कमेंट करिए। और भी मसालेदार फिल्मी अपडेट्स के लिए सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड स्पाई के साथ बने रहिए। सलमान खान की हालिया रिलीज ट्यूबलाइट बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल तो नहीं दिखा पाई, जबकि इस फिल्म से सारे बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड्स तोड़ने की उम्मीदें की गई थी। वहीं ये फिल्म खींचतान के 100 करोड़ के आंकड़े को पार कर पाई है। लगता है लोगों को सलमान खान का ये नया एक्सपेरिमेंट कुछ खास पसंद नहीं आया। अब ट्यूबलाइट की ये हालत देख बाकी स्टार्स भी अपनी फिल्मों को लेकर काफी चिंतित हैं। वेल, कुछ ही दिनों में शाहरुख खान की फिल्म जब हैरी मेट सेजल रिलीज होने वाली है। ऐसे में शाहरुख को इस बात की चिंता सता रही है कि कहीं उनकी फिल्म का भी बॉक्स ऑफिस पर ट्यूबलाइट जैसा हाल ना हो। दूसरी तरफ रजनीकांत की फिल्म 2.0 भी है जो काफी बड़े बजट पर बन रही है, उसे लेकर भी वो काफी टेंस्ड हैं। और आमिर खान भी अपनी फिल्म ठग्स ऑफ हिंदुस्तान को लेकर काफी टेंस्ड हैं, जिस पर आदित्य चोपड़ा काफी पैसा लगा रहे हैं। वेल, इन फिल्मों का क्या होता है ये तो रिलीज के बाद ही पता चलेगा। तो दोस्तों आप किस बारे में हमें अपनी राय बताएं और कमेंट करें।